अच्छा, मतलब जितनी मेहनत करो उतना पेमेंट बनता है। अगर जैसे ये बंद है, ये चालू है, हाँ, और आपने ब्रेक, ये अपना सिंगल वाला है, टन में कितनी मतलब चलेगी फिर ये? इसमें जरा सा भी बिल्कुल एक पॉइंट सा, और चार्जिंग का, महीने का चार्जिंग का खर्चा भी। आप आलू देख रहे हो, चढ़ता हुआ ब्रिज है ये। खुद की गाड़ी सीएनजी थी जी, तो आप फिर टोल और बॉर्डर वाला वो अलग फंडा हो जाता है। जितेंद्र भाई एक ही थोड़ा सा रिस्क है, जैसे कभी फिर क्या ये कम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। अपने चैनल पर पहली बार टाटा एस ईवी का वीडियो है। सबसे पहले मैं इंजन बता दूँ, भूल जाऊँगा, इंजन का इसमें कोई फंडा तो है नहीं। मोटर लगती है इसमें, 21.3 किलोवाट एसी इंडक्शन मोटर आती है। 36 एचपी की इसमें पावर आती है। 130 Nm का इसमें टॉर्क आता है। 1840 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। 600 kg ये पासिंग आती है, 600 किलो ये पासिंग आता है। अब ये तो जनरल सी स्पेसिफिकेशन है इसकी, लेकिन आपने देखा होगा ये एक ब्लू कलर में भी आती है, जो पूरा एक कंटेनर टाइप के पीछे की बॉडी बनी हुई आती है ये। लेकिन आप लेने जाएंगे तो ये इतना जो है, इतना सिर्फ इतना आएगा, ये ऊपर से अलग से बनाना पड़ता है। जितेंद्र भाई हमारे साथ है। जितेंद्र भाई आप इसको चलाते हैं, बहुत स्वागत आपका। ये थोड़ी गंदी, क्या थोड़ी ज्यादा गंदी इसलिए हो रही है क्योंकि जितेंद्र भाई ने हमें बताया कि कम से कम 25 से 28 गाड़ियां हैं कंपनी में, तो हर रोज एक अलग इंसान गाड़ी को चलाता है। जैसे आपने ये गाड़ी वहाँ पे छोड़ दी, आज चली जाएगी, ये आज मैं चलाऊंगा, कल दूसरा आएगा, दूसरा ले जाएगा। सिंगल हैंड नहीं रहती, सिंगल हैंड नहीं। आपके पास जो गाड़ी थी उसको अच्छा रखते थे आप? मेरे पास 11 नंबर गाड़ी थी, वो थी। अच्छा, उसको मतलब वो सिंगल हैंड। अब आप सोचते होंगे कि दूसरे को देंगे फिर वो गंदी कर देगा, तो उस हिसाब से इसको रखते। वैसे इसका एक शोरूम प्राइस क्या होगा जितेंद्र भाई? इसका एक शोरूम प्राइस रहेगा मतलब 9,25,000 रुपए तो वो होगा। बाकी का ऑन रोड करेंगे तो अपन ये पड़ जाएगी अपने को 10 से ज्यादा 10 के लगभग। हाँ, जितेंद्र भाई सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक शोरूम प्राइस भोपाल में भी इसका 9,21,000 है। बाकी आप आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह सब करके उतने की ये पड़ेगी ही। रजिस्ट्रेशन वगैरह तो होते ही होगा इसका, क्योंकि ये देखिए नंबर प्लेट किस तरीके की है। प्रोफाइल की अगर अपन बात करें तो देखिए ये वाइट कलर में है। टाटा एस, एस की बैजिंग आपको मिल जाती है, ईवी लिखा हुआ मिल जाता है बिल्कुल इलेक्ट्रिक वाले वे में। नॉर्मल थी हेडलाइट, इंडिकेटर, फॉग लैम्प वगैरह नहीं है, और बाकी तो ये टाटा एस चार्टर होता ही। जितेंद्र भाई ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये जो लॉक लगा हुआ है और बैटरी यहाँ पे लगी हुई है? डीजल टैंक फीजल टैंक का कोई फंडा है नहीं, ये कोई सा प्लांट वगैरह पे चलता है? जितेंद्र भाई इसकी पूरी डिटेल अपने को बता देंगे। ये बैटरी चार्जिंग का है, बैटरी चार्जिंग का मुझे कुछ ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। ये अपना सिंगल वाला है, सिंगल वाला जो मिनिमम नॉर्मल चार्जिंग के लिए, हाँ, जो अपने को 4 से 5 घंटा लगता है चार्जिंग के लिए। अच्छा, और ये है फास्ट चार्जर का। अच्छा, ये कितनी देर में चार्ज हो जाता है? 1 घंटे में चार्ज कर देता है। तो ये दोनों चार्जिंग ये मिलती कहाँ पे आपको? ये शोरूम से मिल रहा है, शोरूम से मिलती है। वाला चार्जर अपन लेंगे, ये थोड़ा महंगा आता है, 70-75 हज़ार रुपए का चार्जर आता है। 70-75 हज़ार रुपए का ये वाला चार्जर, 1 घंटे में चार्ज करता है। और ये वाला नॉर्मल चार्जर गाड़ी के साथ ही आता है, गाड़ी के साथ ही आता है। अभी गाड़ी में रखा है चार्जर, दिखा सकते हैं आप हमें? अभी गाड़ी में चार्जर रखा हो तो चार्जर भी दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चार्जर दिखाना है जितेंद्र भाई। ये देखिए, अच्छा ये चार्जर है, बड़ा सारा चार्जर मिल जाता है भाई आपको यहाँ पे। ये आपका कम से कम 15 मीटर की केबल रहती है इसमें। हाँ, 15 मीटर दूर से आप लगा सकते हैं। अच्छा, 15 मीटर दूर से लगा सकते हैं। जितेंद्र भाई कितना चल जाता है एक बार फुल चार्ज होने में? फुल चार्ज होने पे, और अगर गाड़ी में लोड के हिसाब से भी थोड़ा सा वेट आ जाता है। हाँ, अगर खाली गाड़ी है 600 किलो पासिंग आता है, 600 किलो में आराम से गाड़ी आपकी 125-130 किलोमीटर आराम से चलेगी। और खाली गाड़ी कितनी चलेगी? खाली गाड़ी तो आपकी चल जाएगी 150 किलोमीटर तक ले जाएगा। लेकिन खाली तो कोई चलाता नहीं, इसको कोई मतलब है नहीं। नहीं, मतलब अभी तक क्या है, ये लोग कंपनी में ही ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑनर अभी तक लिए नहीं है इसको किसी ने। भोपाल में तो जहाँ तक मुझे अंदाजा है, भोपाल में ये अपने खरीदा है अपने इन्होंने, इंद्रा एसोसिएट ने पूरी गाड़ियाँ खरीदी है। 28। हाँ, मतलब वो जो बड़े बड़े हैं उन्होंने खरीदा, सिंगल ऑनर ने भी खरीदी नहीं है ये, क्योंकि जो नॉर्मल टाटा एस आती है वो 1.5 टन 2 टन तक भी वजन ले जाती है। ये हमारी आप देखो 1.5 टन से 1.5 टन माल ले जा रही है। इसमें भरी हुई है कि पूरी 140 पेटी। अच्छा, 160 लाया था। हाँ, कुछ बिक गई तो 140 पेटी है बची अभी। तो 1.5 टन में कितनी मतलब चलेगी फिर ये? ये चल जाएगी 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर तो मैं आराम से। जितेंद्र भाई 1.5 टन में चल रही है, मतलब ये अच्छी घाट वाट पे, जैसे आप ब्रिज, जैसे ब्रिज ले रहे हैं अपन, ये पूरा चढ़ता हुआ ब्रिज आ रहा है। आप चलो, मैं आपका सामने पूरा ब्रिज चढ़ा दूंगा आराम से 40-50 की स्पीड पे। अच्छा, स्पीड भी वही बरकरार रहेगी। कितनी मैक्सिमम स्पीड तक जाती है ये? मैक्सिमम स्पीड इसकी मैंने ज्यादातर इसको 60-65 तक चलाई है। 60-65 तक चलाई है। जगह गाड़ियाँ रोकनी पड़ती है ना हमको। अच्छा, ये चार्जिंग से भी कोई फर्क पड़ता है कि जैसे आपने फास्ट चार्जर से करा तो ज्यादा चलेगी छोटे? ऐसा कुछ नहीं है, वो चार्जिंग हो जाती है बस।
फास्ट चार्ज उससे सब कुछ नहीं है। आपकी खुद की क्या राय है जितेंद्र भाई, मतलब डीजल गाड़ी, सीएनजी गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी से हटके इसके बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में? मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी लगी गाड़ी। हाँ, मेन मार्केट भोपाल के लिए तो बहुत अच्छी लगी, लोकल के लिए। लोकल क्योंकि कोई खर्चा नहीं है, खर्चा है नहीं, बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। लोकल के लिए सबसे अच्छा और सबसे अच्छा नो बजट, और चार्जिंग का महीने का चार्जिंग का खर्चा भी बहुत कम आता है। अच्छा, ज़्यादा ज़्यादा इसका चार्जिंग का खर्चा, हमारी एक मीटर पर दो गाड़ियाँ लगाते हैं। हाँ। उसका बिल बना हमारा करीबन 3,000 का महीने का, महीने हमने जोड़ा। अच्छा, अब 3,000 रुपये में जोड़ लो अपन, दो गाड़ी का 1,500 रुपये था, 1,500 ज़्यादा 2,000 रुपये, एक गाड़ी का महीने का 2,000 ही बैठा, मतलब 2,000। आप इससे ज़्यादा डीजल और सीएनजी चला देंगे। सही बात। और आप जब जिस हिसाब से आप बता रहे हो, अगर इतना माल ले जा रही है और इतना पावर है इसके अंदर, तो फिर तो गाड़ी जबरदस्त है। देख लो, आप खुद दिखाओ ना, माल भी दिखाओ। हाँ, ये जैसे पानी की बोतलें वगैरह भरी हुई थी, एक एक लीटर की, और पूरा फुल भरी हुई थी भाई, खाली करते हुए अभी तक आ रहे हैं। जितेंद्र भाई अंदर से देख सकते हैं एक बार, अंदर बैठो ना, आप गाड़ी चला के भी देखो, गाड़ी की स्पीड भी चेक करो, आ जाएंगे। ये अंदर बैठ जाते हैं जितेंद्र भाई के साथ थोड़ा अपन। और ये देखो, इस तरीके का डायल दे रखा अंदर, देखो बेसिक सा रहता है ये। अच्छा, एसी वाली गाड़ी है ये? और ये क्या, दो मोड दे रखे हैं? अच्छा, खाली बटन दे रखे हैं, खाली बटन। ये हेडलाइट लेवल करने का दे रखा है, यहाँ यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। ये आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी गाड़ी। हाँ, इको पावर मोड भी दे रखे हैं इसमें। अच्छा, अब अपने आप सिस्टम है, कुछ नहीं करना, अब अपने को आगे चलना है। हाँ। जब तक अब इसमें ये है सिस्टम, आपने अगर गियर, अगर जैसे ये बंद है, ये चालू है, हाँ, और आपने ब्रेक पे पाँव नहीं रखा, तो आप गियर डाल ही नहीं सकते इसमें। अच्छा, गियर डालेंगे ही नहीं, तो भी आपको ब्रेक पे पैर रखेंगे, आप ब्रेक आपको पूरा दबाना पड़ेगा। हाँ, और फिर जैसे आप दबाओगे गेट डल जाएगा। अच्छा, गेट डल गया। अच्छा, यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया, आप हैंड ब्रेक उतारो और गाड़ी चलाओ बस। ये आपने ड्राइव में ड्राइव न्यूट्रल और रिवर्स दे रखा है यहाँ पे, बकायदा ब्रिज भी आपको चढ़ाना है। हाँ, आराम से ब्रिज भी चढ़ाएगी। मतलब जिस अभी लोड पे जो इसने पिकअप लिया ना, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि यार अपन इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठे हुए हैं, है ना? बिल्कुल नहीं, लोड पे बहुत बढ़िया पिकअप आया इसका, वो इस गाड़ी मतलब पिकअप अच्छा, सब कुछ अच्छा। ये देखिए, सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, मतलब बाकी चीजें भी बढ़िया है। अगर ये 1.5 टन तक भी वजन ले आती तो बहुत बढ़िया गाड़ी है जितेंद्र भाई, उस हिसाब से। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से नॉलेज से। हाँ, मैंने सीएनजी वाली चलाई, डीजल वाली चलाई, बिलोरो भी है। हाँ, सब गाड़ी है हमारे पास जी, और सबसे अच्छी मुझे यही गाड़ी लगती है, और सबसे ज्यादा मैं यही चलाता हूँ। सबसे ज्यादा आप यही चलाते हैं? यही चलाता हूँ। उल्टा हम आते हैं ना, रास्ता है वहाँ से। आपकी रनिंग कितनी हो जाती होगी भोपाल ही भोपाल में? भोपाल में मेरी बैटरी खत्म नहीं होती है, 20-25% बच जाती है। अच्छा, बस लेकिन जितेंद्र भाई एक ही थोड़ा सा रिस्क है, जैसे कभी कभार रनिंग ज्यादा मिल गई या कोई ओनर है चला रहा है, तो फिर चार्जिंग का थोड़ा रिस्क, चार्जिंग का जैसा रहता है, जैसे अपने कहीं भी लगा लो, किसी से के लगवा ले, अभी तक तो मेरे को दिक्कत आई नहीं। हाँ, क्या है कि मैं चला रहा हूँ तो मुझे तो दिक्कत नहीं है यहाँ से लेके वहाँ तक। ये अब अपना ब्रिज पे, आप ब्रिज पे रहेगा। हाँ, आराम से चढ़ रहा है, 50 की स्पीड में आराम से चढ़ेगी गाड़ी, कोई वो नहीं कर, धीरे हो जाएगी कितने, वो सीलो हो रही। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, सीलो बहुत अच्छे से चढ़ रही है, जैसा आप नॉर्मली चढ़ाते हैं, जैसे कार चलाते हैं, मेरा पूरा कार का अनुभव होता है। हाँ, कार में तो फिर भी लगता है अरे यार वो दिक्कत है, नहीं इसमें तो पावर बहुत अच्छी आ रही है। अभी आप क्लियरली देखिए, अगर आप लोगों को देख रहे हो, चढ़ता हुआ ब्रिज है ये, भले कैमरा में वैसा नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें जरा सा भी बिल्कुल एक पॉइंट सा भी ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी दब रही है। और ये देखिए आप, मैंने ज्यादा रेस दे रखी है। अच्छा, ये 42 की स्पीड में अभी ब्रिज चढ़ रहे हैं हम, और गाड़ी में वजन है 1.5 टन। सोचो आप, 140-145 पेटी है अभी गाड़ी में। हाँ, ये देखिए 40 पे चढ़ रही है अभी, घुटन सी फील भी नहीं हो रही है बिल्कुल इसमें। इस हिसाब से तो भाई इलेक्ट्रिक बढ़िया है, मतलब कम खर्चे में अगर यही चाहिए, क्योंकि लोकल में जब इंसान जितेंद्र भाई इस टाइप की गाड़ी को चलाता है, तो मानता हूँ मैं कि पासिंग 600 आती है, लेकिन इंसान को भाड़ा है सब तभी पूरेगा तब वो 1 टन या 800-900 इस टाइप का वजन उसमें लेके जाएगा। लोकल में वो चला सकता है आज तक 5-10 किलोमीटर में ये वजन लेके, बाहर जाएंगे तो आप फिर टोल और बॉर्डर वाला वो अलग फंडा हो जाता है। बाहर भी कुछ दिन बाद देखना इसके पॉइंट बन जाएंगे चार्जिंग के, अभी बहुत सी चीजें चेंज होनी है। हाँ, आप जितेंद्र भाई यही चलाते हैं या खुद के पास भी आपके पास गाड़ी वाड़ी है? मेरे पास है कि सुपर कैरी है। सुपर कैरी आपके पास, तो आपके पास सुपर कैरी होते हुए आप ये गाड़ी चला रहे हैं?
जो गाड़ी बैठ जाए सब चलती है। नहीं मतलब आप सुपर कैरी के खुद के ओनर है आप? मैं खुद भी ओनर हूँ, महाकाल ट्रांसपोर्ट है मेरा। तो आप मतलब वो किससे चलवाते होंगे किसी से आप? वो गाड़ी बाहर चलती है ज्यादातर, मेरी ग्वालियर रोड कहाँ जाती है। ग्वालियर रोड पे गाड़ी चलाते हैं आप? मतलब वो किसी और से चलवाते होंगे आप, ड्राइवर वगैरह? वो ड्राइवर चलाते हैं। अच्छा मतलब खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, फ्री नहीं बैठ रहे मतलब आप? क्या बात है, क्या बात है। ये पेमेंट बेस पे रहते हैं यहाँ पे आप जितेंद्र भाई? अच्छा मैं बोला कमीशन बेस पे। क्या पेमेंट वगैरह मिलता है जितेंद्र भाई? जितना मेहनत कर लो 15-20 पड़ जाता है, ज्यादा पड़ जाता है अगर मेहनत सही करो। अच्छा मतलब जितनी मेहनत करो उतना पेमेंट बनता है इसमें? तो कितनी पुरानी हो गई होगी जितेंद्र भाई गाड़ी? गाड़ी अभी चली है 5,387 किलोमीटर। 5,387 किलोमीटर चली है। थोड़ी सी चूचा की आवाज आ रही है हल्की सी पीछे से, बस लोड है, लोड है और ने वो कबानी नहीं करी है, पूरा सस्पेंशन सेटअप है, किसी चीज की इसमें दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो भाई हम वापस डेस्टिनेशन पे आ गए। ये बंद करी, हैंड ब्रेक खींचा, मतलब कोई लेना चाहता है तो बेझिझक इस तरफ जा सकता है। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम आई? अगर भोपाल लोकल में चलाना 100 किलोमीटर की रेंज में, 100 मान के चलते हैं, 100 किलोमीटर की रेंज में अपने को भोपाल का मार्केट आराम से करके आ जाता आदमी। हाँ। पूरे दिन इतनी दिन चलाने में थक जाता आदमी। सही बात है, सही बात नहीं चलती है। अब लोकल के हिसाब से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है उस हिसाब से, मतलब खर्चा कुछ भी नहीं आ रहा है। अब 2,000 का देखा जाए तो मान लो 3,000 खर्चा अगर अपन मान लें तो मुश्किल था। जब आप डीजल पेट्रोल सीएनजी गाड़ी चला 2-3 दिन में डला देता इंसान इतना? नहीं मैं भोपाल में चलाता था, मेरी खुद की गाड़ी सीएनजी थी जी, तो सुपर कैरी है। हाँ। उसमें मैं डलवाता था, एक दिन छोड़ के 785 रुपए की गैस डलती है, और मतलब एक दिन छोड़ दो दूसरे दिन फिर डलवाना, बाकी का पेट्रोल अलग उसमें हो जाता है। अच्छा 10-15 हज़ार पड़ जाता है वो आपको? पड़ जाता है। ये बढ़िया है और इस हिसाब से बहुत सही चीज है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जितेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जितेंद्र भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ईवी की आपकी डिमांड थी जो मैंने पूरी कर दी, बहुत दिन से डिमांड आ रही थी, गाड़ी मिल नहीं रही थी, अभी कंपनी की मिल गई, भाई ने भी बहुत डिटेल में हमने को कवरेज दी दिया। तो वैसे ये था अपना छोटा मोटा वीडियो, होप करता हूं इस वीडियो को पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।